चोरों ने लाशों को भी नहीं छोड़ा, चुराई 5 लाशें। 5 मुर्दों के एक साथ गायब होने पे मचा हड़कंप। अब तक 12 मुर्दे चुरा ले गए चोर। आपने चोरी की जितनी भी वारदात सुनी होगी, उन सबों से हटकर एक ऐसी चोरी की वारदात हुई जिसे जिसने भी सुना उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। इस वारदात में चोरों ने एक दो नहीं बल्कि कुल 5 मुर्दों की चोरी कर ली। चोरी की इस वारदात ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी। चोरों के दुस्साहस का ये कोई पहली घटना नहीं है। इससे पहले भी 7 मुर्दों पर चोरों ने हाथ साफ कर दिया है, यानी कुल मिलाकर 12 मुर्दों को चुरा कर चोर ले गए। मामला बिहार के पूर्णिया जिले के शमशान घाट का है, जहां 5 शवों के चोरी होने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। घटना कस्बा थाना क्षेत्र के नौलखा शमशान स्थल की है, जहां कब्र में दफनाए गए 5 लाशों की चोरी हो गई। इससे पहले 2014 में भी इस शमशान घाट से 7 मुर्दों की चोरी की गई थी। अभी तक इस मामले का ना तो खुलासा हो पाया और ना ही इसमें संलिप्त चोर पुलिस के हत्थे चढ़ पाए। इस मामले का खुलासा उस वक्त हुआ जब स्थानीय ग्रामीण मवेशी चराने शमशान घाट पहुंचे तो उन्होंने देखा 5 कब्र की मिट्टी निकालकर चोर 100 चुरा ले गए। नौलखा स्थित शमशान घाट में वैसे लोग अपने परिजनों के शव को दफन करते हैं, जिनके पास आमतौर पर अंतिम संस्कार के लिए पैसे नहीं होते हैं, और बेवसी में शव का दाह संस्कार करने की बजाय उन्हें दफन कर देते हैं। स्थानीय ग्रामीण और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा पिछला प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष राम कुमार महतो के मुताबिक इस शमशान घाट में महादलित समुदाय के लोगों के शवों को दफन किया जाता है। शमशान घाट में एक साथ 5 लाशों की चोरी होने से स्थानीय लोगों में काफी आक्रोश है। घरों में चोरी होने के साथ साथ अब लाशों की चोरी होने से लोग हैरान है। स्थानीय लोगों की माने तो गरीबी के चलते लोग पैसे के अभाव में शव को जलाने की बजाय दफना देते हैं। लोगों ने शमशान घाटों की घेराबंदी की मांग करते हुए बताया कि तांत्रिक क्रिया के लिए भी लोग मुर्दे की चोरी कर रहे हैं। आशंका यह भी जताई जा रही है कि लाशों की तस्करी कर उसे मेडिकल कॉलेज भेजा जा रहा है। खैर, वजह जो भी हो, लेकिन यह भी एक सच है कि बिहार में इंसान तो छोड़िए, अब मुर्दे भी सुरक्षित नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ लाइव डेस्क, पटना।